खबर उत्तर प्रदेश में चुनावी तोहफों की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज छात्रों को 1,00,000 स्मार्टफोन्स और टैबलेट बांटे। लखनऊ स्टेडियम में समारोह में मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स दिए। बाकी लोगों को पोर्टल के जरिए ये स्मार्टफोन्स मिलेंगे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2,00,000 भर्ती नहीं हो पाई थी, हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं 4,50,000 युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है।